हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रक ने ली चार यात्रियों की जान, एक घायल। गुजरात के रहने वाले हैं सभी लोग। कार और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील क्षेत्र में 54 मील के पास बुधवार को दोपहर में एक स्विफ्ट कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कार में सवार एक अन्य घायल हुआ है। इनकी पहचान गुजरात के गांधीनगर के रहने वालों के रूप में हुई है। मृतक और घायल यात्रु बताए गए हैं, जो रामदेवरा दर्शन के लिए लौट रहे थे। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है। शवों को बालेसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शेरगढ़ पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि गांधीनगर निवासी 5 लोग एक कार में सवार होकर लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करने रामदेवरा गए थे। बुधवार सुबह वे रामदेवरा से वापस मेहसाणा के लिए रवाना हुए। जोधपुर जैसलमेर रोड पर 54 मील के निकट तेज रफ्तार के साथ उनकी कार सामने से आ रही थी, एक ट्रक से जा भिड़ी। आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में कार ट्रक के अगले हिस्से में बुरी तरह से फंस गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच तुरंत राहत कार्य शुरू किया। कार में फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। तब तक 4 जनों की मौत हो चुकी थी। उपाधीक्षक अजीत सिंह के अनुसार दुर्घटना में मरने वालों की पहचान हो गई है। मृतकों की पहचान केसु भाई शंकर भाई के रूप में की गई है। 2 की पहचान की जा रही है। घायल का नाम भरत भाई बताया गया है। इसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। इनके परिजन को गुजरात सूचित किया गया है। उनके आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शवों को बालेसर की मोर्चरी में रखवाया गया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।